यहाँ पर मैं कर रही हूँ हरितालिका तीज की तैयारी। मैं आ गई हूँ लाह की लहठी लेने के लिए, और आज मैं पूरे मिथिलांचल रीति रिवाज के अनुसार जो है ना हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हरितालिका तीज की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। और चैनल के माध्यम से मैं दिखाऊँगी कि मिथिलांचल में हम लोगों के यहाँ जो है ना तीज व्रत किस तरह से किया जाता है, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। और यहाँ पर हम लोग 5 डलिया सजाते हैं, 5 से 7 तरह की फल होती है, बहुत विधि विधान के साथ हम लोग पूजा करते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लेने आई हूँ लाह की लहठी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ लाह की लहठी ही शुभ मानी जाती है। और यहाँ पर मैंने चुंदरी साड़ी लिया है, साथ में मैचिंग देखिए पीले और लाल, मैंने इस बार कॉटन की ही साड़ी ली है। पूरी पूजा की जो विधि है ना, मेरे वीडियो जो है चैनल पर अपलोडेड है, तो आप लोग जाके देखिएगा पंडित जी के द्वारा। अगर पंडित जी आप नहीं भी बुलाते हैं तो मैं जो है ना पूरी तरह से पूजा की विधि दिखाई हूँ, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। और हम लोगों के समय में शादी का सिंधौरा में इतना ज़्यादा सजावट नहीं होता था, तो उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया है। तो उसकी वीडियो की भी चैनल जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कहा जाता है कि महिलाओं को 16 श्रृंगार करना करके ही पूजा करना चाहिए। और पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती को ने मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था, और उन्होंने विवाह करने के लिए वन में तपस्या में बहुत लीन हो गई थी। हाथों में मेहंदी लगाए माँ ने कई साल तक घोर तपस्या की थी, इसलिए हाथ में मेहंदी लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और उनके साथ पूजा आराधना से खुश होकर आखिरकार भगवान उनसे मिलने पहुँच गए शिव शंभु। तो इसीलिए महिलाओं को जो कहा जाता है 16 श्रृंगार और हाथों में मेहंदी, पैरों में महावार लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं बात करूँगी कि जो भी आपके गहने होते हैं वो बिल्कुल सोने के होने चाहिए। सोने में जिस तरह से मांग टीका है और नाक के नथिया है, चाहे हाथों में सोने की चूड़ी है, जो भी आपके शादी विवाह में चढ़ाए जाते हैं, आज विशेष करके जो है ना ये ज़रूर आप पहने। आज के दिन मैं सोने के सारे जेवर ही पहनती हूँ और पहन करके ही पूजा करती हूँ। यूपी में खासकर हम लोग जो है ना हरितालिका तीज मनाते हैं, और बहुत से जगह में क्या होता है ना हरियाली तीज मनाया जाता है। और कितना भी आप मतलब जितना भी शादी के दिन हो जाए, कितने भी आप मतलब एज क्यों ना हो जाए, लेकिन जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो विवाह शादी होती है, तीज त्यौहार होते हैं, तो खास तरह से जो है ना सोने का जेवर का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये मांग टीका जो आपके शादी में चढ़ाए जाते हैं, नथ होते हैं जो लड़के की तरफ से आते हैं, तो हर ट्रेडिशनल जो शादी विवाह व्रत त्यौहार में हम लोग ज़रूर पहनते हैं। और ये गले का भी है, तो जितना तक हो सके, ये देखिए ये गोल्ड की जो है, तो जितना तक हो सके आप गोल्ड की ही ज्वेलरी पहने, तो ये शुभ माना जाता है। और फल और मिठाई की बात करूं तो ये सबसे पहले बिहार यूपी में सबसे ज़्यादा मनाए जाते हैं, तो उसमें गुजिया बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि हम लोग पड़किया भी बोलते हैं, और ठेकुआ, तो इसको हम लोग जो है ना एक सप्ताह पहले से बनाना शुरू करते हैं। और पड़किया बनाते हैं तो उसकी अंदर की जो फीलिंग होती है, तो हर तरह से लोग अपने अपने अकॉर्डिंग उसकी फीलिंग तैयार करते हैं। जैसे सूजी को भून करके बनाया जाता है, ड्राई फ्रूट डाल करके, नारियल आते हैं, नारियल के पाउडर आते हैं, उसको भी घी में भून करके उसमें ड्राई फ्रूट डाल करके भरा जाता है, और खोया का भी लोग बनाते हैं। तो जिसकी जितनी शक्ति है लोग उसी अनुसार जो तरीके से धूमधाम से तैयारी करते हैं एक सप्ताह पहले से। और अगर नई नवेली लड़की की शादी होती है तो सारे चीज़ उसके मायके से आते हैं, साड़ी, गहने, जेवर और जितने भी फल मिठाई, तो पड़किया और ठेकुआ का विशेष महत्व आज के दिन होता है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों मिथिलांचल में 5 डलिया भरने का रिवाज है। 5 डलिया में पूरी तरह से ये पकवान भरे जाते हैं, और साथ ही श्रृंगार के सामान भी मैं दिखाऊंगी। तो ये मैदा जो होता है ना, तो जिस तरह से आप नमक पारे बनाते हैं ना, तो उसी तरह से डो तैयार करना है, पतले पतले पूरी को बेल करके, और उसके बाद जो इसको अंदर भरा जाता है और फिर इसे घी में बनाया जाता है।
पूजा में चढ़ाने के लिए हम लोग घी में बनाते हैं, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी पड़ते हैं जितने भी पकवान है ना, तो लोग एक महीना पहले से भी लोग बनाना शुरू करते हैं और फ्रेंड और फैमिली में भी लोग बांटते हैं, और जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती है तो उनको खोइचा भी दिया जाता है। और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला ये बिहार और यूपी का ये खास फेस्टिवल है, तो लोग इसको बहुत ही लगन से और बहुत ही आनंद के साथ करते हैं। और जब भी ये मिठाई बनाते हैं तो लोग जो है ना गीत भी गाते हैं, और बहुत ही खुशी का त्यौहार है क्योंकि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, और क्योंकि शिव पार्वती जी ने पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद जब उन्होंने शिव जी को प्राप्त कर लिया था तो पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद यह व्रत मनाया था और बहुत ही धूमधाम से, तो महिलाएं आज के दिन जो है ना पूरे लगन के साथ ये व्रत को करती है। तो मैं सांचे में नहीं बनाती हूँ गुजिया को, और हाथ से ही बनाती हूँ। तो हमारे मिथिलांचल में जो है ना 7 तरह के फल लगते हैं, 5 से 7 तरह के, तो सारे फल को सबसे पहले धो लें, और धोने के बाद फिर डलिया सजाया जाता है। तो हमारे यहाँ डलिया किस तरह से सजाया जाता है तो आगे के ब्लॉग तक आप लोग बने रहेंगे। पूजा पाठ के जो भी है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, पंडित जी के द्वारा किया गया है तो आप लोग जरूर देख लेंगे। और बहुत सारे जो DIY पूजा से रिलेटेड है ना, तो मेरे प्लीज प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लें, उसमें बहुत सारे क्राफ्टी लीना ब्लॉग में मिल जाएंगे। तो फल में यहाँ पर सेब है, नाशपति है, केला है, खीरा का विशेष महत्व होता है, अमरूद है, और इसमें एक सबसे ज़्यादा जो विशेष महत्व होता है वो है गन्ने का, और ईख जिसको बोलते हैं, तो ईख को जरूर कहीं से भी मेरे हस्बैंड खोज करके लाते हैं। और मकई जो होता है, मकई का भी विशेष महत्व होता है। तो जितना तक हो सके 5 से 7 तरह का फल बहुत ज़रूरी होता है हमारे मिथिलांचल में, तो बहुत मतलब हम लोग पहले से इसकी तैयारी कर करके रखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं गुजिया पड़किया जो भी रहता है ना मैं बना लेती हूँ, और जो भी पूजा के लिए बनाना रहता है तो उस दिन सुबह मैं बना लेती हूँ, तो इससे मुझे बहुत ईजी हो जाता है काम। तो यहाँ पर सारे जो है ना, सबसे पहले आप फल को धो लेंगे, जितने भी 7 तरह के 5 तरह के फल हैं तो धो लें। उसके बाद देखिए 5 तरह के जो है ना यहाँ पर डलिया है, 5 डलिया, और एक डलिया पार्वती जी के लिए अलग होता है, तो सब में जो है ना एक एक फल चढ़ाया जाता है, तोड़ के हम लोग नहीं चढ़ाते हैं, सब में बिल्कुल साबुत फल को चढ़ाया जाता है। और जिसमें देखिए यहाँ पर मकई है, और मकई के बाल होते हैं, केतारी है, अनार है, सेब है, खीरा है, अमरूद है, 5 से 7 तरह के फल होता है। और उसके बाद जो है ना सिंदूर को हम लोग, जो अगर आपके पास सिंदूर का किया है तो उसे रखिए, और नहीं तो छोटे छोटे पेपर में थोड़ा थोड़ा चुटकी भर सिंदूर बांध बांध करके सारे डलिया में लगाए जाते हैं। और ये जो डलिया जो है ना हम लोग रात भर ये पूजा में चढ़ता है, उसके बाद सुबह में हम लोग 5 सुहागिन महिलाओं को खोइचा में देते हैं। तो ये हमारे ससुराल में होता है, मिथिलांचल में इसी तरह का रिवाज है। और इस तरह से मैं सबसे पहले डलिया सजा लेती हूँ, और उसके बाद ये देखिए ये केराव है, ये बहुत विशेष महत्व होता है क्योंकि जब हम लोग पारण करते हैं तो इसी की रेसिपी बनाई जाती है, और इसकी रेसिपी की भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और ऐसे भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी, इसकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले इसका भी बहुत महत्व रिवाज होता है, ये है केराव, तो केराव को भी थोड़ा थोड़ा सब डलिया में डाल देंगे, उसके बाद सब में सिंदूर लगा दें क्योंकि ये सुहाग का व्रत है तो सिंदूर सबसे पहले लगाना ज़रूरी होता है। और ये जब आप करें तो ये है समी का आटा, तो समी का आटा का भी विशेष महत्व होता है, तो इसको जो है ना सुबह स्नान करके ही और नए वस्त्र पहन करके ही आप पूरे डलिया को भरें। और यहाँ पर मैं हम लोग की तरफ देखिए 5 तरह के आते हैं, मटकी आते हैं छोटे छोटे, तो हम लोग जो है रात में ही दही लगा लेते हैं, और उसके बाद उसमें भी 5 जो है ना टीका इसमें किया जाता है, और सब ये 5ों डलिया में हम लोग रखते हैं, और स्नान ध्यान के बाद ही ये जो है ना आप इस तरह का डलिया सजाएं, पूरी तरह से आप श्रृंगार करके ही डलिया सजाएं, और उसके बाद आप संकल्प लें, उसके बाद जो है ना पूरा पूजा को साफ सुथरा करके ही हम लोग ये सब काम करते हैं। तो जो है यहाँ पर देखिए 5ों मटकी हम लोग जो है ना दही की मटकी है, तो उसके पूरे डलिया में हम लोग रख लिए हैं,
और उसके बाद इसमें पार्वती जी का मैं डलिया अलग से लगाऊंगी और पार्वती जी की डलिया में पूरे श्रृंगार के सामान में मैं भरती हूँ, तो उसको आगे के ब्लॉग तक आप लोग बने रहें। तो मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं अपना मिथिलांचल का जो भी रीति रिवाज है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी, हमारी सिस्टर लोग भी होंगी जो मिथिलांचल से बिलोंग करती होंगी, तो कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपके यहाँ इस तरह से पूजा होता है कि नहीं। और यहाँ पर ये पार्वती जी का देखिए डलिया है, जिसमें मैंने सिंदूर और ये जो है कपड़े और इस तरह करके पूरे श्रृंगार के सामान मैं यहाँ पर रखूँगी और एक सेट में चढ़ाऊँगी। जब हम लोग साफ चौकी बिछा करके पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी पार्वती जी के कपड़े चढ़ाऊँगी, लेकिन पार्वती जी का जो डलिया प्रसाद जो होता है पार्वती जी का, तो उसमें पूरा श्रृंगार के साथ साथ ये सारे फल को मैं भरती हूँ। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद पूरा श्रृंगार करके उसके बाद पूजा में बैठती हूँ। तो यहाँ पर चूड़ी भी है, बहुत लोग क्या करते हैं कि जो है चूड़ी को 2 से 4 चूड़ी चढ़ा देते हैं, तो लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, साल में तो एक बार व्रत होता है, तो पूरी तरह से मैं डब्बा ही चढ़ाती हूँ। और यहाँ पर जितना भी गुजिया पड़ा किया है तो वो भी जो है ना अपने, चाहे तो 5 रखें चाहे 2 रखें, तो जितना हो सके तो आप इसमें रखें। और इस तरह से क्योंकि ये जो व्रत होता है ना, तो बहुत ही मतलब हम लोग 3-4 दिन पहले से सारी तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी होती है 5 डलिया के लिए, सारा चीज़ जो होता है ना वो सब अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सारे 5 डलिया हम लोगों ने सजा लिया है और यहाँ पर पूरे घर को अच्छी तरह से साफ करके, साफ चौकी बिछा करके और सबसे पहले उसमें स्वास्तिक बना करके, साफ पीला कपड़ा बिछा करके, और देखिए जो है ना हम इसमें पीला कपड़ा बिछाएंगे। और मिट्टी के शिव जी आज के दिन बनते हैं, जो पंडित जी लेकर के आते हैं गंगा जी से मिट्टी, और उसकी फूल वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा पूजा का वीडियो है ना, तो उसका ब्लॉग आ चुका है, तो उसमें आप लोग ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लिप मैं ऐड कर देती हूँ, साफ कपड़ा बिछा करके और यहाँ पर जो है ना प्लेट में मैं शिव जी को यहाँ पे स्थापित करूँगी, तो सारे जो है ना वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग देखें। तो कैसी लगी हमारे मिथिलांचल के रीति रिवाज, तो आप लोग अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। मिलती हूँ एक अच्छे से तीज के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए तीज की फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ।